कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके घर में नजर का असर है, तो सफेद सिरका, नमक पानी में मिला लीजिए और उस पानी को घर में छिड़के भी और उसका पोछा भी जमीन पर, कि आप अपने जिस्म से काला कपड़ा नाप के किसी जरूरतमंद को दे दें। अस्सलामु अलैकुम, मैं मुजम्मल मोहिउद्दीन इमामिया जेंट्री ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से दोबारा लेकर आ रहा हूँ एक नया एपिसोड, जो कंटिन्यूएशन है हमारे पिछली सीरीज़ की, जहाँ हम बात कर रहे थे नज़रे बद की और पता लगाया जाए कि एक शख्स पे नज़रे बद का असर है या नहीं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि नज़रे बद का इलाज किस तरीके से किया जाए। नज़रे बद का इलाज करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। आज मैं आपको कुछ उनमें से तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे आप अपने घर से, चीज़ों से और बच्चों पे से बुरी नज़र का असर कम या पूरे तरीके से हटा सकते हैं। एक बहुत आजमूदा और एक आसान तरीका। अक्सर औकात हमें नहीं पता होता कि घर में आने वाला किस नियत से आ रहा है, हमारे घरों को भी नज़र लगती और इसके नतीजे में आपस में लड़ाइयाँ, तंग दस्ती, दिलों का आपस में ख़राब होना, घर में एकदम से वीराना आ जाना, यहाँ तक के चीज़ें टूटना और घर में दीमक का लग जाना, घर किराए का हो तो किराया भरना मुश्किल हो जाना, या फिर किसी वजह से उस घर को छोड़ना पड़ जाना, या आपस में कशीदगी हो जाना, ये सब कुछ ऐसी अलामत हैं जो आपको बताती हैं कि आपके घर पर नज़र बद का असर है। एक बहुत आसान सा तरीका जिससे आप अपने घर से नज़र बद को दूर कर सकते, आपने करना सिर्फ ये है कि आपने लेने हैं 7 तेज पत्ते। याद रखिएगा, ये तेज पत्ते थोड़े बड़े साइज़ के हों और कोशिश कीजिएगा कि इसमें दाग ना हो। अगर थोड़ा बहुत दाग हो तो खैर है, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसमें दाग ना हो। हर पत्ते पे अपने सीधी हथेली पे उस पत्ते को रख के चारों कुल आपने पढ़ने, तो हर पत्ते पे चारों कुल एक एक दफ़ा, इस तरीके से 7 पत्तों पे एक एक दफ़ा चारों कुल। इन पत्तों को आपने पूरे घर में से घुमाना है और फिर उसके बाद इसको चूल्हे पे धीमी आंच पे जला देना है ताकि इसका धुआं घर में उठे। आपको खुद महसूस होगा कि घर बेहतर और हल्का महसूस होगा। कोशिश कीजिएगा कि ये नज़र उतारने का तरीका आप बादस मगरब या कबल जहर करें। एक और बहुत आसान और बहुत बाकमाल तरीका ये है कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके घर में नज़र का असर है, तो सफ़ेद सिरका, नमक पानी में मिला लीजिए और उस पानी को घर में छिड़के भी और उसका पोछा भी ज़मीन पर लगाएं। आपको अपना घर खुद बहुत हल्का और खुशादा महसूस होगा। अगरचे आपको लगता है कि किसी के खाने पे नज़र लगी है कि वो खा नहीं पा रहा, तो इसका एक आसान सा हल है। हल ये है कि उस शख्स का झूठा खाना किसी सड़क पे घूमते कुत्ते या बिल्ली को डाल दीजिए। इंशाल्लाह परवरदिगार के हुक्म से आसानी होगी। नज़रे बद से निजात के लिए एक और आसान तरीका। अगर आपके जिस्म में कोई बीमारी काफ़ी लंबे अरसे से मौजूद है, अगर उस बीमारी का कोई सिरा नहीं मिल रहा और अगर आपको महसूस होता है कि वो बीमारी बहुत लंबी हो गई है, तो आपको एक सदका बता, सरसों या सरसों का तेल चंद कीले लेकर हफ्ते वाले दिन सदका कीजिए। सदका अगर किसी को दे ना सकें तो वो हस्बे तौफीक लेके किसी चौरस्ते पे रखवा दीजिए, ये नियत करते हुए कि परवरदिगार मेरे लिए आसानी करे। बीमारी के ही लिए एक और सदका ये है कि आप अपने जिस्म से काला कपड़ा नाप के किसी ज़रूरतमंद को दे दें। याद रहे, नापिएगा इस तरीके से कि सर से लेके पाँव तक उस कपड़े को पूरे नाप में नापना है और उसको किसी ज़रूरतमंद को आप खैरात कर दी। ये थे कुछ तरीके नज़र बद से बचने के लिए। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि नज़र बद से कैसे बचा जाए, अपने घर को कैसे महफूज रखा जाए, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके ज़बान के इंतखाब के बाद 212 डायल करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, मैं फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई ऐसी चीज़ जो आपकी
हयात में जेब भर दें। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।